हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ उसी पिछले वाले टॉपिक के क्रम में। और वो टॉपिक था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो क्लास 10th का टॉपिक है CBSE बोर्ड का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं इस क्लास में मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिगार्डिंग। पिछले क्लास में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए। मेटल्स को कैसे आप पहचानोगे, अगर कोई भी एलिमेंट कैटायंस फॉर्म करता है तो मेटल कहलाता है, अगर वो एनायंस फॉर्म करता है तो नॉन मेटल कहलाता है, और अगर वो कैटायंस और एनायंस दोनों फॉर्म कर सकता है बाय लूजिंग या गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, जैसे सिलिकन हो गए या जर्मेनियम हो गए, तो उसको मेटलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइलेंसर केमिस्ट्री, इसको शेयर करें, कमेंट जरूर करें अगर आपको कुछ पूछना है। तो चलो बच्चों, देखते हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इन दोनों के रिएक्ट करने के पीछे एक बॉन्डिंग होती है, दैट इज़ नोन एज द केमिकल बॉन्डिंग। वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग दो तीन तरह की होती है, जैसे आप इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, जैसे आप कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, या जैसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन की। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों रिएक्ट करते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होगा, ये देखिए, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअल में कब बनता है, हम ये कैसे कि जानेंगे। इट इज़ फॉर्म्ड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी को ही हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, या इसी को हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो इसी बॉन्ड के द्वारा मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, और आयनिक बॉन्ड हो गया। तो अब ये देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बनते हैं, इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर मतलब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, जिसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वह देगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जनरली मेटल्स आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल्स आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेंगे, क्यों गेन करेंगे, उसके लिए एक कारण है। बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, जितने भी एलिमेंट हैं, दे वॉन्ट टू ऑक्यूपाई देयर ऑक्टेट। ओके, ऑक्यूपाई देयर ऑक्टेट मीन्स दे वॉन्ट टू ऑक्यूपाई देयर ऑक्टेट बाई अचीविंग द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आइए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, तब हम आगे आपको एग्जाम्पल बताएंगे क्यों ऐसा होता है। जो इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं, जैसे आपने लिखा हीलियम, फिर नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, इतने सारे इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं। अब अगर हम इसका एटॉमिक नंबर लिखें बच्चों, तो 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ये इनका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर के बेस पे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो हम देखेंगे कि हीलियम को छोड़ करके बाकी जितने भी इनर्ट गैस एलिमेंट हैं दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। आइए देख लेते हैं, हीलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, या पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 एंड 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, 2, 8 एंड 8, और क्रिप्टॉन का होगा 2, 8, 18 और 8, एंड आफ्टर दैट ज़ेनॉन का 2, 8, 10, 18, 10, 28, फिर 18 करेंगे, 18, 18, 36, 10, 46 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और फाइनली ये क्या होगा, 2, 8, 18, अगले में 32 होगा।
तो 60 हो गया, 60 ये 78 हो गया और 8 और जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि इतने सारे एलिमेंट जो हैं इनके सबके आउटर सेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन हैं और इस हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि यह क्या कहता है, डुप्लेट। इसका जो स्ट्रक्चर है वो डुप्लेट है और ये जो होता है वो ऑक्टेट कहलाता है। ऑक्टेट मतलब उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, डुप्लेट। अब ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? क्योंकि बोरबरी के रूल के हिसाब से किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर हो सकती है। तो पहले सेल में देख रहे हैं सभी के पहले सेल में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, n इज इक्वल टू 1, देन 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 मीन्स फर्स्ट सेल इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड इट्स फर्स्ट सेल इज द लास्ट सेल, तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो द इनर्ट गैस या इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे कि बाकी सारे के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इनका ऑक्टेट अचीव है, दैट्स वाई दे आर इनर्ट गैस एलिमेंट्स। वे अपने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑलरेडी 8 रखे हुए हैं, इसलिए वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, अतः इन्हें हम इनर्ट गैस एलिमेंट कहते हैं। इसके अलावा एक्सेप्ट ऑल द एलिमेंट्स दोज विच आर नॉट हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, दे वांट टू ऑक्यूपाई देयर ऑक्टेट इधर बाई लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इधर बाई गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। हो गया बच्चों, आइए देखते हैं कैसे ये ऑक्टेट अचीव करता है। सपोज कर लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल पोटेशियम फ्लोराइड ले लिया। ओके, पोटेशियम फ्लोराइड में सबसे पहला ये देखेंगे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होगा 19 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2881। अब देखो बच्चों, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, पोटेशियम विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्यूपाइंग इट्स ऑक्टेट। अब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये पोटेशियम आयन बना लेगा। इसी तरह से अगर हम फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर 9 होगा और यहाँ क्या लिखेंगे 2 एंड 7। फिर हम यहाँ फ्लोराइड आयन करेंगे क्योंकि इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, फॉर ऑक्यूपाइंग इट्स ऑक्टेट इसको 1 इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी से ले लिया तो ये हो गया 2 एंड 8। हो गया, अब आइए देखते हैं पोटेशियम और फ्लोरीन इन दोनों को हम कैसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं देखते हैं। अब आप क्या करेंगे, लुईस और कोसल के बेस पे हम देखते हैं कि उस एलिमेंट के आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं हम उसको मेंशन कर देते हैं। पोटेशियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस सेल में और इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, अंडरस्टूड और नॉट? तो अब इनको देखना है कि कैसे इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। बच्चों पोटेशियम को अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तभी ये पोटेशियम आयन बना रहा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा। गौर से देखना, पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को ट्रांसफ़र मतलब दे दे रहा है, तो दिस इम्प्लाइज पोटेशियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आ गया और फ्लोरीन के ऊपर 1 निगेटिव चार्ज आ गया और 1 पॉजिटिव और 1 निगेटिव मिलकर क्या हो गया, ये न्यूट्रल कंपाउंड बना, दैट इज नोन एज अ पोटेशियम फ्लोराइड। अंडरस्टूड? तो इसके बीच में अभी बहुत सारे एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि पोटेशियम और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग बनी दैट बॉन्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। अब इसमें से पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसकी वैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंसी, ध्यान देंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी प्लस 1 और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी माइनस 1 हो गई। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? किसी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है दैट इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब अगर हम किसी दूसरे एग्जांपल की बात करें इसी क्रम में, तो दूसरा एग्जांपल आपने नोट कर लिया, दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं सब मैग्नीशियम क्लोराइड, सेकेंड एग्जाम्पल MgCl2 में कैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 हो गया, दैट इज 2, 8 एंड 2। एंड दूसरा हम देखेंगे क्लोरीन, बच्चों अभी देखा है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17
और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एटॉमिक अरेंजमेंट देखेंगे। एटॉमिक अरेंजमेंट कैसे देखेंगे, एक मैग्नीशियम हो गया और इसके साथ दो क्लोरीन हो गया, एक Cl यहाँ बना दिए और दूसरा Cl यहाँ बना दिए। अब हम इन वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ये देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। यहाँ बच्चों 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ये अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर रहा है और ये अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में आपने देखा कि दिस क्लोरीन इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन और यह मैग्नीशियम क्या कर रहा है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन एक इसको दे रहा है, दूसरा इसको दे रहा है और Cl इधर वाला Cl फिर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो आपने देखा 2 निगेटिव आयन्स एंड 2 पॉजिटिव आयन दैट विल फॉर्म द न्यूट्रल मालिक्यूल, और वो न्यूट्रल मालिक्यूल क्या होगा, MgCl2। ओके, तो इस मैग्नीशियम क्लोराइड में हमने देखा कि मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो कितनी हो गई, +2 हो गई, और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई वो -1 हो गई, जिसे हम क्लोराइड आयन भी बोलते हैं। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया बच्चों। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से स्पेशली आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले कर रहे हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ही हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे NaCl हो सकता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं इस इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो सकती है, किसी भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए गए, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर इट्स वैलेंसी यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी इज +2, और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज -1 बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब आगे चल करके हम ये देखेंगे बच्चों, ये देखो सबसे बड़ी बात कि केवल क्लास 10th का ही ये टॉपिक नहीं है, ये जब अगले साल क्लास 11th में आप रहोगे तो क्लास 11th में भी ये केमिकल बॉन्डिंग में आने वाला है, ठीक है। तो अब हम इस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और फेवरेबल कंडीशंस की बात करेंगे कि किन कंडीशंस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो 2-3 कंडीशन उसको समझने की कोशिश करिए। क्या होगा बच्चा, हम यहां लिख सकते हैं सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन या कंडीशंस, सुटेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसके लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट होता है बच्चों कि जो मेटल्स है उस मेटल का, चाहे मेटल और नॉन मेटल दोनों एलिमेंट हैं, पहले एक एलिमेंट का जो आईपी होता है वो लीस्ट होना चाहिए। आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी ऑफ मेटल इज स्मॉलर, ठीक है, आईपी ऑफ मेटल इज स्मॉलर। दूसरा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, जो नॉन मेटल है उस नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। अभी मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कि क्या है। और नंबर तीसरा कंडीशन होता है लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी
इज ग्रेटर, ठीक है, या चौथा भी हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस जो होना चाहिए ध्यान से कहें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग लगभग ग्रेटर देन 2 के बराबर, हमने लिखा इज अप्रॉक्सीमेटली इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है बिकॉज आई एम सेइंग इन सम बुक्स इट इज गिवन 1.8, किसी में 2 दिया हुआ है, तो हम यह कहेंगे कि 2 के आसपास से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। चलिए चारों पॉइंट को देखते हैं। आईपी मतलब होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या मतलब होता है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट वन आर मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, किसी भी एलिमेंट के आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है वह आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। और अगर हम ईए की बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो जब एनायन बनाता है तो देन इट रिलीज सम एनर्जी और उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जब हम पीरियड में चलते हैं, जब पीरियडिक क्लासिफिकेशन के में हम इसका पीरियडिसिटी पढ़ेंगे तो ये ध्यान देंगे बच्चों, इधर से जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो उसको पीरियड बोलते हैं और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो उसको ग्रुप बोलते हैं। तो जब हम पीरियड में चलते हैं तो आईपी और ईए दोनों बढ़ता है, गौर से सुनेंगे। तो इधर जिसकी आईपी होगी, जो होगा जो एलिमेंट होगा उसका आईपी कम होगा, इधर वाले का आईपी ज़्यादा होगा, इधर वाले का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, इधर वाले का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, सपोज कर लिए हमने Na यहाँ लिख दिया और Cl यहाँ लिख दिया, तो Na और Cl में Na इधर है तो Na का आईपी कम होगा और Cl का आईपी ज़्यादा होगा। तो आपने लिखा आईपी ऑफ मेटल इज स्मॉलर, तो मेटल Na है इसका आईपी कम होना चाहिए और होगा भी। और अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, नॉन मेटल इज हाइयर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आगे चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ता है, तो इसका कम होगा इसका ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl का ज़्यादा होगा। तो ये दोनों कंडीशन हो गए। तीसरा कहता है लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर, लैटिस एनर्जी क्या होता बच्चा, लैटिस एनर्जी को हम कह सकते हैं कि जब अपोजिटली चार्ज आयंस आपस में मिल करके एक मोल क्रिस्टल बनाते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक वन मोल ऑफ द आयनिक सॉलिड इनटू देयर आयंस इज नोन एज लैटिस एनर्जी। या तो एक मोल किसी भी आयनिक सब्सटेंस को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है वही क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। तो लैटिस एनर्जी उस मॉलिक्यूल का ज़्यादा होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट बताया एंड लास्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 2, क्या होना चाहिए इसकी जो वैल्यू होगी वह 2 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चार डिफरेंस हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में। अब बता दूं कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन उससे कम होता है, क्लोरीन उससे कम, नाइट्रोजन, इस तरह से। अगर हमने एक एग्जांपल लिया था ना, अब मैं आपको दिखाऊं कि सोडियम और सोडियम क्लोराइड में यहाँ से देखेंगे Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.0 और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों 0.9। तो अगर आपने डिफरेंस दिखाया तो डिफरेंस कितना आ गया, 2.1 आ गया, और ये 2.1 इज ग्रेटर देन 2, ये 2 से ज़्यादा है, इसलिए इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, हो गया। तो ये हो गया फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है बच्चों। अगर आपको टॉपिक पढ़ने में कहीं समझने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, यू फील एनी टाइप ऑफ द कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम, तो देन यू कैन मैसेज मी, हो गया। नाउ अब इसका हम लास्ट, अब हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमने फेवरेबल कंडीशन पढ़ लिया, अब नेक्स्ट एंड लास्ट हम पढ़ेंगे बच्चों इसका
प्रॉपर्टीज, इसकी जो होगी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी होगी अगर हम बात करें तो पहला होगा फिजिकल स्टेट। इसका फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है? फिजिकल स्टेट क्या होगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर फाउंड इन टू द सॉलिड स्टेट। किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट। अगर आपसे पूछा जाए क्यों ऐसा होता है तो आप कहेंगे बिकॉज दे आर फाउंड बाय द अपोजिटली चार्ज आयंस, और अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो वो आपस में मिल करके सॉलिड बनाते हैं, उसके कारण ये इनका जो सॉलिड फॉर्म होता है वो रिजिड भी होता है। नंबर दूसरा, अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी, ये एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या होता है? हाइयर होता है। इन दोनों का, सर इस मॉलिक्यूल्स का या इस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाइयर होगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट, तो देन यू कैन से सिंस दे आर फाउंड बाय द अपोजिटली चार्ज आयंस, देयरफॉर टू ब्रेक देम मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। टू ब्रेक देम मीन्स फॉर मेकिंग द आयंस फ्री यू हैव टू पुट मोर एनर्जी, तो देयरफॉर इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाइयर। अब ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? एक तो होता है साइज ऑफ आयंस, ठीक है, और दूसरा होता है हम ये कह सकते हैं साइज ऑफ आयंस हो गया और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ आयंस, ये इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो साइज ऑफ द आयंस पे क्या डिपेंड करेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ द आयंस पे क्या डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ये साइज ऑफ द आयंस बढ़ता है तो इसकी इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ध्यान से देखेंगे, बाय इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ध्यान से देखेंगे, अगर हम साइज की बात करेंगे, साइज ऑफ द आयंस अगर साइज बढ़ता है, चाहे वो कटायंस हो चाहे वो आयनायंस हो, तो उसके बढ़ने पर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ द आयंस की बात करें तो होगा बच्चा बाई इंक्रीजिंग, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, सॉरी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें नंबर इसके तीसरे कंडीशंस की, मैं आपसे बात करते करते इसमें इसको भूख प्यास लग गया है पेन को, तो थोड़ा इसमें डीजल पेट्रोल डाल दें, हाँ बच्चों। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के क्या होते हैं? हाई होते हैं, बिकॉज इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस ना, और इनकी वैल्यू कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है? साइज ऑफ द आयंस पे ये क्या होगा? बाई इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द आयंस मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, और मैग्नीट्यूड ऑफ द आयंस बाई इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो ये दोनों इसके कंडीशंस हो गए। अब हम नंबर बात करेंगे सॉलिबिलिटी की। नंबर तीसरा पॉइंट क्या होगा? सॉलिबिलिटी। इसमें सॉलिबिलिटी में क्या होता है? सॉलिबिलिटी में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, तो ये पोलर नेचर के होते हैं, तो दैट्स वाई दे आर सॉल्युबल इनटू द पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन
पोलर सॉल्वेंट दैट इज H2O। वाटर एक क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे वो H2O में सॉल्युबल होंगे, क्योंकि जब उसमें पानी में हम डालते हैं तो पानी में डालने पर यह वाटर मॉलिक्यूल उस पानी के बीच जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसको वीकेंस करता है। ये सॉल्युबिलिटी दो चीज़ों पे भी डिपेंड करती है, अभी दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है बच्चों। सबसे पहला हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरा साइज, और तीसरा पोलर नेचर। ये इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इसको ध्यान से देखेंगे। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज करता है तो देन सॉल्युबिलिटी अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। गौर से देखना, अगर हम साइज की बात करते हैं, साइज इंक्रीजेस देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ध्यान से देखेंगे, और अगर पोलर नेचर बढ़ता है तो इट इंक्रीजेस, ठीक है बच्चों। तो ये तीन कंडीशंस हैं, इन तीन कंडीशंस पे आप ध्यान देंगे कि मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, अगर साइज बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज के लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, एक का नाम है NaCl और दूसरा का नाम है MgCl2। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इन दोनों में किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी आइए देखते हैं। सोडियम, अगर हम इसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया सोडियम पे बच्चों एक प्लस चार्ज है और मैग्नीशियम पे दो प्लस चार्ज है। Cl नहीं लेंगे बिकॉज दोनों पे Cl पे माइनस वन चार्ज है, तो दैट इज सेम। सोडियम के ऊपर एक चार्ज हो गया, इसके ऊपर दो चार्ज हो गया, तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा हो गया? ध्यान देंगे, मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा हो गया? मैग्नीशियम का। तो जैसे ही मैग्नीट्यूड बढ़ा तो उसकी सॉल्युबिलिटी घट गई, तो इसका मतलब हो गया कि मैग्नीशियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी होगी वह कम होगी इन कंपैरिजन टू द NaCl। आइए अगर हम दूसरे की बात करें, साइज, इन दोनों में Cl की साइज बिल्कुल सेम है और सोडियम और मैग्नीशियम दोनों एक ही क्या है बच्चों, पीरियड में रहने वाले, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, तो इसका और इसका जैसे जैसे हम पीरियड में आगे चलते हैं, गौर से देखना, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इनका जो आयनिक रेडियस होता है, आयनिक रेडियाई होती है, वह कॉन्ट्रैक्ट यानी कम होती है। तो जब कम होगी तो इधर से इधर चलेंगे तो ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, अगर सुनेंगे बच्चों, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो इसकी साइज़ बड़ी हो गई, इसकी साइज छोटी हो गई, तो साइज जिसकी बड़ी होगी वह सॉल्युबिलिटी ज़्यादा शो करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड इज़ मोर सॉल्युबल इन कंपेरिजन टू द मैग्नीशियम क्लोराइड इन टू द वाटर। तो दोनों ही फैक्टर आपको क्या कर रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, कि हमने क्या किया कि सोडियम क्लोराइड इज मोर सॉल्युबल इन टू इन द कंपेरिजन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड और ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, इन दोनों से। और नंबर तीसरा देखें बच्चों, पोलर नेचर। पोलर नेचर क्या होता है? पोलर नेचर होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स वे जनरली पोलर नेचर के होते हैं। पोलर नेचर का मतलब होता है कि जिसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, जिसके आउटर सेल में दो इलेक्ट्रॉन, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन देगा और उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर हम इसी सोडियम और मैग्नीशियम में कंपैरिजन करें नंबर थर्ड पॉइंट पे, तो सोडियम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट सेल, तो देयरफॉर इट विल लूज इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंड अचीव द आउटर मोस्ट सेल, अचीव द ऑक्टेट इमीडिएटली। तो इसमें NaCl का पोलर नेचर ज़्यादा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू द मैग्नीशियम क्लोराइड। तो NaCl का पोलर नेचर ज़्यादा हो गया तो सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी। हो गया बच्चों? तो ये तीसरा पॉइंट था। नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट इसके प्रॉपर्टीज में, आई होप यू हैव रिटन दिस वन गुड।
अब अगर हम बच्चों नंबर फोर की बात करते हैं, ये भी लिख लिया आपने, कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है। आई एम गिविंग टू मोर सेकेंड्स फॉर कॉपिंग। ओके चलो, अब बच्चों नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट इसका प्रॉपर्टीज है, जिसे हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराएंगे कि नहीं। गौर से सुनना जो मैं लिखने जा रहा हूँ। सॉलिड स्टेट में अगर ये सारे के सारे आपने ऊपर ही पढ़ा है कि इसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो सॉलिड स्टेट होता है, तो सॉलिड स्टेट में यह कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकता। कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में नहीं पॉसिबल है। यह किस में पॉसिबल है? ईदर इन द मॉल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन। या तो उसको पानी में डाल दें बच्चों, या तो उसको क्या करें, पानी में डाल दें, या पानी में उसका सॉल्यूशन बना लें, और या तो मॉल्टन स्टेट में है तो यह कंडक्टिविटी शो करेगा। तो हमें कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट शोइंग द कंडक्टिविटी इन टू द सॉलिड स्टेट, वाइल एज इन द मॉल्टन स्टेट और इन द एक्वस सॉल्यूशन इट विल शो द कंडक्टिविटी। तो ये चारों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हो गए बच्चों। तो आज हमने ये पढ़ा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, और इनको रिएक्ट करने के बाद इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, या इसे हम आयनिक बॉन्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर इसी चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मेटलर्जी, वो लेकर के आएंगे। तो मेटलर्जी में हम कैसे किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, कैसे उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, कैसे कंसंट्रेशन करेंगे, व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज ओर्स, व्हाट इज मिनरल्स, मेनी मोर थिंग्स विल बी डिस्कस।